Upendra Yadav ji, you wear many hats, and each one of them is very critical to some of the goals that the government has set for itself, especially in the next 1 year, which is going to be the last, the slog overs, as it were, before you get into elections. But I want to start by talking about an editorial that you've written today. Aaj aapne bola hai ki jo Amrit Kaal ka aapka vision hai, uska symbol, the marrying of tradition and modernity, of all the things you said, is the installation of the Sengol. To aapka jo agle ek saal ka vision hai, Amrit Kaal ka vision hai, why do you think it is all encapsulated in the Sengol? जो हमारे सिंबल हैं वो केवल इसलिए सिंबल नहीं है कि हम उनको कोई रिलीजियस मान्यता देते हैं, वो हमें एक सही रास्ते पे चलने का मार्ग दिखाते हैं। अगर कोई प्रतीक इस बात का है कि वो न्यायपूर्ण शासन की जिम्मेदारी देता हो, और दुनिया भर में इसके लिए अलग अलग तरह की मान्यताएं रही हैं, और न्यायपूर्ण शासन का अगर कोई प्रतीक है और उसको अगर हम अपनी पार्लियामेंट में स्थापित करते हैं, तो हम उसको वे ऑफ लाइफ में अपने स्वीकार करते हैं जो किसी भी शासन करने वाले का कर्तव्य होता है। और इसलिए हमारी चाहे लॉजिक रहे हो, हमारा ओपननेस रहा हो, हमारा विभिन्न विश्वासों को आदर देने का स्वभाव रहा हो, हमारा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे आधारित जीवन पद्धति रही हो, हमारी एक ट्रेडिशनल जिसको तर्कशास्त्र कहते हैं कि लॉजिक के साथ किसी विषय को समझने का स्वभाव रहा हो, ये सब हमारे अंदर हैं, तो हमको इसको विस्तार करके जो अपने पुराने एथिक्स हैं और वैल्यूज हैं उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जोड़ना चाहिए। वैल्यूज पुराने होने चाहिए और साइंटिफिक टेम्परामेंट नया होना चाहिए, दोनों को जोड़कर ये नया देश जो जिसकी कल्पना अमृतकाल के भारत की करते हैं वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात की, क्योंकि आज हमारा थीम भी है मेकिंग इंडिया द थर्ड सुपर पावर। आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि 80 के दशक में हम कंप्यूटर युग में कदम रख रहे थे और आज हम बात कर रहे हैं मंदिर की, सेंगोल की, तो हम एक थर्ड सुपर पावर कैसे बनेंगे अगर हम आगे देखने की जगह पुरातन में बार बार जाते जाएंगे और इन सब चीजों को ट्रेडिशन की, कल्चर की, बिकॉज ज्यादातर लोगों के दिमाग में कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब रूढ़िवादी चीजें हैं, एक सुपर पावर की निशानी, सुपर पावर की निशानी कंप्यूटर। आप योग को क्या कहेंगे? आप बता दो कि योग गलत है, मैं मान लूंगा हमारा ट्रेडिशन गलत है, सिंपल है, बताइए। सो द योग, सेंगोल और इकोनॉमी। आप नीति शास्त्र को क्या कहेंगे? आप बताइए। आप टीवी पे डिबेट करती हैं। हमारा एक लॉजिकल दर्शन है जिसको न्याय शास्त्र कहते हैं और जिसको गौतम ऋषि ने लिखा है, उसका एक सूत्र है, वो कहता है प्रतिज्ञा हेतु उपनय उदाहरण निग्रम स्थाना। आप टीवी पर डिबेट करते हैं, आपने एक थीसिस शुरू करी, दैट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कोरिलेट विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मस्ट डिपेंड अपॉन द लॉजिक। और जब आप स्टेटमेंट, एग्जाम्पल और लॉजिक को मिलाएंगे तभी तो आप कंक्लूजन पे आएंगे, तो आपका मियरली स्टेटमेंट कैसे मान लिया जाए? एक ही सांस में आप कह रही है मंदिर बुरा है, दूसरी सांस में आप कह रही है योग अच्छा है, तो आप खुद कॉन्ट्रोडिक्टरी है, मैं कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं हूं। आई वॉज एक्चुअली टेकिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट कल राहुल जी जब अपना पहला दिन मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे, तो उन्होंने इसी सेंगोल की बात छेड़ी और उन्होंने कहा देर आर बिगर इश्यूज टू बी स्पोकन ऑफ, things like the GDP, the economy, jobs, but to divert from it, they are, you know, lying down on the floor and all that. आप उनको जरा आंकड़े पहुंचा दीजिए, GDP जब जो आंकड़े आए हैं वो हमारी 7.2% ग्रोथ को दर्शा रहा है,
पीएलएफएस के जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में जो हमारा रोजगार था 42.5 से आगे बढ़ा है। उनको आप ये भी डाटा मेरी तरफ से पहुंचा दीजिए कि ईपीएफओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 लाख से ज्यादा हुआ है। तो ये तो आंकड़े आप उनको अगर भिजवा देंगे तो समझ में आ जाएगा उनको भी। भूपेन जी, व्हाट डू यू सी द नेक्स्ट 11 मंथ्स लाइक? आपने जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है, दैट ऑल्सो यू होल्ड एज अ सिंबल ऑफ व्हाट न्यू इंडिया स्टैंड्स फॉर, बट कैन यू हैव अ न्यू इंडिया जहां पर द रिलेशंस बिटवीन ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट सीम टू बी एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? फॉर अ सुपर पावर दोनों को साथ नहीं काम करना पड़ेगा, अगर आप दोनों अलग अलग दिशा में रहेंगे तो कैसे इंडिया सुपर पावर बनेगा? इनॉग्रेशन किस चीज का था? इनॉग्रेशन किस चीज का था? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन जो देश के इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन था उसको पार्टी ने क्यों बहिष्कार किया? इनॉग्रेशन अगर हमारा होता तो बहिष्कार समझ में आता। पार्लियामेंट को पावर कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार करें, आपको उनकी बुद्धि पे तरस आना चाहिए। मैं तो कहता हूं ईश्वर उनको थोड़ी बुद्धि दे, कम से कम इस तरह के विषय तो नहीं करने चाहिए। और कांग्रेस ने जीएसटी लागू हुआ तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया, हम कोविड वैक्सीनेशन लाए तो ये बहिष्कार करने लगे, हमने जनधन खाते खोले तो कांग्रेस विरोध करने लगी। तो कांग्रेस समर्थन किस चीज का कर रही है कि केवल गांधी परिवार को सत्ता में बैठा दो बाकी सबका विरोध करो? ऐसे थोड़ी देश चलेगा। देश एक परिवार के लिए थोड़ी होता है, देश तो सबके लिए होता है। और क्या न्याय का शासन नहीं होना चाहिए? और न्याय का शासन अगर न्याय के शासन का कोई प्रतीक है तो वो नहीं होना चाहिए? क्या देश को आजादी मिली तो हमने अशोक की लाट को स्वीकार नहीं करा? तो आप तो ये कह देते अशोक की लाट तो बहुत पुरानी है, भारत तो 1947 में नया बनने वाला है। हमने अपने अशोक चक्र को झंडे में स्वीकार नहीं किया, हमने सारनाथ के स्तंभ को स्वीकार नहीं किया। तो क्या हमारी जो आजादी जिन्होंने दिलाई वो हमारे आजादी दिलाने वाले जो हमारे प्रेरणा पुरुष थे, क्या उन्होंने भारत को उसके मूल सभ्यता और सिद्धांतों के साथ नहीं जोड़ा? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां पर बैठते हैं उसके ऊपर महाभारत का वाक्य नहीं लिखा हुआ है? ततो जहां पे धर्म है वहां पर विजय होती है। तो क्या उस वाक्य को निकाल देना चाहिए? आप लोग मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं लेकिन आप लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि गांधी का हिंद स्वराज क्या है। गांधी जी के जिसने हिंद स्वराज को पढ़ा वो भारत की मूल मान्यताओं को, नैतिकताओं को, शिक्षाओं को जानने की बात करता है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो तो हर चीज का विरोध करते हैं। पर बहिष्कार उन्होंने आपका या पार्लियामेंट का नहीं किया, उन्होंने राष्ट्रपति जी के सम्मान में बहिष्कार किया है। राष्ट्रपति जी के सम्मान में थे तो उनके समर्थन में वोट देते, उन्होंने तो कैंडिडेट खड़ा किया था। भूपेन जी, ये अभी जो विपक्ष का एक मेन मुद्दा है वो खास तौर पर आपके मंत्रालय को लेकर के है, नौकरी की बात। आप जीडीपी के फिगर्स दे रहे हैं पर एनएसएसओ के जो डेटा है उसके हिसाब से जो यूथ है, 33% ऑफ द यूथ इज करंटली अनएम्प्लॉयड एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन। औरतें खास तौर से हमारे लेबर फोर्स के बाहर है। एक इलेक्शन ईयर में क्या आपको लगता है कि नौकरी का मुद्दा आपके लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि सामान्यतः जब लगता है कि कोई किसी नेता को घेरा जाएगा तो उसको लगता है कि क्वेश्चन गलत है। मैं तो ये मानता हूं और भी कोई कठिन क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। जहां तक मैं नौकरी के बारे में आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.8% डिक्लाइन हुआ है, ये लोएस्ट है 4 ईयर में। और द लेटेस्ट क्वार्टरली सर्वे ऑल्सो शोड दैट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रोज इन क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23 टू 48.5% फ्रॉम 48.2% इन द लास्ट क्वार्टर। जहां तक आप वुमेन्स की बात कर रही हैं, वुमेन शोड ग्रेटर एंथुजियाज्म फॉर वर्क इन देयर एलएफपीआर विटनेस ग्रेटर इंक्रीज देन दैट ऑफ द मैन इन मार्च क्वार्टर। और ये जो
ये जो रिपोर्ट है ये नेट पे भी अवेलेबल है, इसलिए वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये हमारे डाटा शो कर रहे हैं और इसको सब स्वीकार भी कर रहे हैं। मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भी ये कहा था कि ईपीएफओ के भी जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़े हैं, तो हम संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में डाटा जो है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, लंबे समय से हमारे देश में लगता था कि जो बड़ा रोजगार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेकिन उसका कहीं डाटा अवेलेबल नहीं था। पिछले वर्ष से जब से हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन ई श्रम पे करना शुरू किया है, आज हमारे पास 29 करोड़ से ज्यादा, लगभग 30 करोड़ के नजदीक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा उपलब्ध है। और भारत ने जो टेक्नोलॉजी में तरक्की करी है उसके आधार पे हमारा ई श्रम, हमारा एमएसएमई, हमारा स्किल और हमारा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, इसको हमने इंटीग्रेटेड कर दिया और इस अप्रोच के साथ करा है कि मार्केट में जहां पर वर्क की अवेलेबिलिटी है उनको वर्क उपलब्ध कराना, उनका स्किलिंग कराना, एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार कराना, ये किया है। और जहां तक नए भारत के निर्माण की बात है, इस वर्ष का भी बजट देखेंगे तो हम नया स्किल 4.0 लेकर क्या है, हम चाहते हैं कि वर्करों की जो स्किलिंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में उनकी स्किलिंग बढ़े, बल्कि हम तो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के साथ मिलकर अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से भी डिग्री सक्षम जैसे प्रोग्राम चलाते हैं जो वर्करों की विशेष रूप से डिजिटल स्किल को बढ़ाने का काम करते हैं। सर, यू आर राइट, Q4 में आपका कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, इट्स कम डाउन टू 6.8%, बट इसका जो रियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, वो तो दैट इज डेटा, बट द करंट एग्जिस्टिंग डेटा ही होता है। विपक्ष हमारी आलोचना डेटा पे ही करता है, जब डेटा नहीं मिलता है तो फिर वो लोग बिल को फाड़ने लगते हैं, सौभाग्य से सरकार हमारी है इसलिए वो फाड़ नहीं पा रहे। पर जैसे कि जब इलेक्शन हुआ, कर्नाटका का अभी इलेक्शन जो कांग्रेस ने जीता, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का फिर से बहुत बड़ा मुद्दा था। मोस्ट पीपल बिलीव कि जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता कांग्रेस ने अनाउंस किया है सिद्धरमैया जी ने, दैट प्लेड अ मेजर रोल इन इंश्योरिंग दैट दे विन। अब वही मॉडल वो राजस्थान में अपनाएंगे, मध्य प्रदेश में अपनाएंगे, जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं उनको 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो रियल आंकड़े कम हुए हैं, पर रियल वर्ल्ड में जो बेरोजगार हैं उनको कांग्रेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है। तो देखिए, कर्नाटक की हमारी पार्टी की हार हुई है, उनकी विजय हुई है, लोकतंत्र में जिसकी विजय हो वो सरकार बनाएगा, लेकिन कोई एक कारण हो गया हो या ये कारण हो गया हो ऐसा नहीं है, और हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, देश के विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे जो डेटा और जो ग्राउंड है दोनों में समानता है, और हमें विश्वास है कि विजय अंत में सत्य की होती है और काठ की हांडी रोज रोज नहीं चला करते। पर आप एक लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहे हैं स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट की, आपको लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इस तरीके से देना, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में यही कहा था कि जो गारंटी स्कीम्स हैं उनसे लोगों को बच करके रहना चाहिए। दो विषय अलग अलग होते हैं, एक होता है स्कीम के माध्यम से लोगों का एम्पावरमेंट करना और एक है कोई भी घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों का एल्यूरमेंट करना, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। एम्पावरमेंट करके सरकार में आना और सरकार में लोगों को उस एम्पावरमेंट के आधार पर आगे बढ़ाना, ये हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है, लेकिन केवल एल्योरमेंट देना और उस झूठ के प्रलोभन में अपनी सरकार बना लेना, ये लंबी चलने वाली चीज नहीं है और ये चलेगी भी नहीं। पर इंक्रीजिंगली आप देख नहीं रहे हैं कि ये एक स्टैंडर्ड मॉडल बन गया है, जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था अब अक्रॉस द बोर्ड हर कोई पार्टी कर रही है। कौन पार्टी क्या कर रही है, हम ये मानते हैं कि हम लोकतंत्र की लड़ाई को जनता के विश्वास, भरोसे और उनकी सेवा के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, और इसलिए 9 वर्षों की अपनी केंद्र सरकार चलाकर आज जब हमारे 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो हम उसका हिसाब देने जा रहे हैं, और जनता इस पे भरोसा करती है। और आप विश्वास रखिए, जिस जनता ने 2014 में हमें भरोसे से चुना था, उसने 2019 में हमें 303 सीटों से जिताया, और आज जब 9 साल में हम हिसाब दे रहे हैं तो उससे ज्यादा सीटों के साथ जिताकर 2024 में हमारी सरकार बनाने वाली है। एक गवर्नमेंट के लिए
शायद सबसे कोई मुश्किल चीज होती है, एंड स्पेशली आप, क्योंकि जो मोदी सरकार है उन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा मेजर पुश है, भले से ही वो आपका हाईवेज है, पोर्ट्स है, रोड्स है, पर क्या ये सारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं डायरेक्टली आपकी जो मंत्रालय है उसके साथ क्लैश नहीं करता? क्योंकि आपको एक तरफ एनवायरमेंट का जवाबदेही देनी पड़ती है, आपके खुद के अपने डेवलपमेंट गोल्स हैं, और दूसरी तरफ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी करना है, और कितनी बार ये एक क्लैश होता है? हमने देखा मुंबई में क्या हुआ, आपकी आरए जो शेड थी उसको लेकर के लोगों में ऑपोजिशन था, हाईवे कंस्ट्रक्शन में फॉरेस्ट को कितना करना है, अभी जो आपका चार धाम का रोड है उसको लेकर के जब उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ बहुत क्रिटिसिज्म हुआ आपके मंत्रालय का कि आप लार्ज स्केल डेवलपमेंट के चलते एनवायरमेंट को आपने सैक्रिफाइस कर दिया, कैसे इसको आप बैलेंस करेंगे? पहली बात तो देखो, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए आपके फैक्ट को सुधार देता हूं। जोशीमठ और चार धाम रोड दो अलग अलग डिस्टेंस की चीजें हैं, प्लीज आप मिला करके मत बोलिए, फैक्ट ठीक नहीं है। दूसरी बात, आप तो दिल्ली में ही रहती हैं, नोएडा की तरफ जाती होंगी। जब हम सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रगति मैदान होते हुए जाते थे और जितने घंटे का जाम लगता था, एक दो साल तो हम लोगों को दिक्कत हुई, अंडरपास बन गया। आप टीरी की रिपोर्ट उठा के देखिए कितना कार्बन एमिशन कम हुआ, कितना पॉल्यूशन कम हुआ, ये एक मिथ है। और उसमें जितनी गाड़ियां रुका करती थी, जितना धुआं हुआ करता था, जितना पीक टाइम पे जाम हुआ करता था, और आज जब आप निकलते हैं तो आप कहते हैं कि नोएडा जाने में बहुत सुकून है, पॉल्यूशन भी कम होता है। आप महाराष्ट्र में पैंच में जहां पे हमारा नेशनल पार्क है, हमारा डिजाइन करा हुआ आप हाईवे देखिए कि नीचे सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, और ऊपर डिजाइन से निकल रहा है। आज ही रेलवे के साथ हमने पूरे देश में लगभग 1100 किलोमीटर ऐसी रेलवे लाइन की पहचान करी जहां से हमारे हाथी निकला करते थे। आज ही सुबह मैंने उसका रिव्यू किया, मेरे पास पेपर आया, मैं अभी ट्वीट भी करूंगा कि हमने उनके लिए एक अलग से पैसेजेस की इस तरह से बनाए ताकि वो एक पर्टिकुलर जगह से निकल जाए, और हमने ऐसे 100 स्थान करे उसका प्रयोग किया। तो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट ये को एग्जिस्ट करता है। तो दुनिया के बाकी वेस्टर्न कंट्रीज तो डेवलपमेंट कर ले अपने हाईवे वगैरह, भारत में करे तो सारी लॉबी खड़ी हो जाती है, वहां पे जाके फिर आप आके हमको कहते हो कि देखो वहां पे इतना अच्छा रोड है। और दूसरी बात, आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उठा के देखिए, हमने डेवलपमेंट करने के बाद भी पिछले 2 वर्षों में अपने देश के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया है। और आप ये देखिए कि हमने ही पिछले 9 सालों में देश की 75 लेक्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिलाया है। और इस बात को भी आप देखिए कि हम देश में अपने जितने भी फॉरेस्ट के अपने एरियाज हैं उसका प्रबंधन करने में कामयाब हुए, और उसके बाद हमने देश में टाइगर कंजर्वेशन जैसे विषयों को भी आगे बढ़ाया। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हमें दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और अपनी बायोडाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन भी चाहिए, वरना अब मैं यहां कहूंगा कि पगडंडी होनी चाहिए, तो पगडंडी होना अमृतकाल का भारत नहीं है। पॉल्यूशन फ्री, कम कार्बन एमिशन वाले, और बायोडाइवर्सिटी को सेव करते हुए, हमारी वाइल्ड लाइफ को सेव करते हुए सेफ पैसेज और कॉरिडोर बनाना, ये देश की आवश्यकता है। और देश के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल दूर बसा हुआ है, उस तक देश की सुविधाओं को पहुंचाना। और इसीलिए 9 साल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है, लास्ट माइल डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी और टाइम बाउंड डिलीवरी, इसके कारण इस सरकार की विश्वसनीयता चली है, जिसमें विकास और पर्यावरण दोनों का संतुलन आता है। क्या आपको लगता है कभी कभी स्टेट से समन्वय नहीं बैठ पाने से जो आपका पोल्यूशन के टारगेट्स हैं वो नहीं मीट हो पा रहे? क्योंकि आपने दिल्ली की बात की, क्लासिक एग्जाम्पल है, हर साल दिवाली के आसपास वही रोना होता है, पराली जलनी शुरू होती है, एक एक्शन प्लान लाया गया, ग्रैप की बात की गई, फिर वही होता है कि पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, फिर वो कहते हैं ये हरियाणा वाले कर रहे हैं, यूपी वाले कर रहे हैं, हमारी गलती है, आपकी गलती, भुगतते हैं यहां रहने वाले लोग, ये समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा है?
despite having an action plan. इस बार केंद्र के साथ हमने पहले से बैठ के करी है. आप रिपोर्ट को उठा के देखिए, पिछली बार पराली जलने के जो इंसिडेंट थे वो 75,000 से ज्यादा थे. इस बार वो घटकर 55,000 हुए, 40% उसमें कमी आई है. पिछली बार जो मेन जो दिन थे वो 53 थे, वो घटके 23 हुए. और आप ये पिछला भी निकालिए, हम पिछले कई सालों में सबसे अच्छा जो दिल्ली का वातावरण वो मेंटेन कर पाए. और दिल्ली का पॉल्यूशन इस बार बॉम्बे से मच बेटर रहा है और पिछले सालों में सबसे कम रहा है. आप मीडिया के द्वारा इसके बारे में और जागृति करिए. तो आप कह रहे हैं पंजाब सरकार ने कोऑपरेट किया आपके साथ. देखिए सभी, मैं कभी किसी को विकास के क्षेत्र में नहीं करता, लेकिन पंजाब में जो पिछली बार के मुकाबले जो जितना उन्होंने तय किया उतना उन्होंने नहीं किया, वो भी फैक्ट मैंने सबके सामने रखे. हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम किया. और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बनाए, जिस प्रकार से हमने एनसीआर रीजन में इंडस्ट्री को पीएनजी के ऊपर कन्वर्ट किया, गुड़गांव में 73 सोसाइटियों में डीजल चला करता था उनको हमने रिड्यूस करके 3 के ऊपर लेकर आए, सबके प्रयासों से हुआ है. और मैं ये चाहता हूं और मैं सब राज्य सरकारों से भी कहना चाहता हूं, मैं सब अधिकारियों से कहता हूं कि भाई ये सबकी लड़ाई है, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो धुआं कहीं नहीं जाता है, आपके हमारे और हमारे बच्चों के फेफड़ों में भी जाता है. तो ये सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो पिछली बार हमने एक उपलब्धि हासिल करी है, हम उस पैरामीटर को और आगे बढ़ाएंगे. सर, इन दिस 9 years ऑफ योर गवर्नमेंट, अनदर मेजर अचीवमेंट दैट वाज स्पोकन ऑफ वाज प्रोजेक्ट चीता. क्या उसको सेटबैक हुआ है, द फैक्ट कि 3 अडल्ट्स और 3 शावक उनकी डेथ हो गई है? क्या प्रॉब्लम क्या आई इस इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट में, इतने हेडलाइन प्रोजेक्ट में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट चीता में जो हमारे साइंटिस्ट लग रहे हैं और जो भी हमारे फील्ड ऑफिसर लग रहे हैं वो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं. दूसरा, जब ये अपने आप में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें मोर्टेलिटी की आशंका को बताया गया था, वो हमारी रिपोर्ट में भी है. उसमें जब हमारे शावक आए थे, चीते आए थे, तो जो एक चीता जो हमारा आया था वो जब आया था तब ही बीमार था. बाकी जो दो जिनकी डेथ हुई है उसके रीजन हमने पूरे दिए हैं, वो एक पूरा एक वाइल्ड प्रोसेस में एक सिस्टम रहता है. जो 3 शावकों का विषय था वो 47 डिग्री था और इनकी जो बच्चे होते हैं इनके बचने की वो कम रहते, 47 डिग्री में वो मदर का ही दूध पीते हैं और 47 डिग्री पे बहुत ज्यादा था उनका एक एटीट्यूड, बाद में उनके लिए एक उसमें बचा भी है. मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं परसों रिव्यू भी करके आया हूं और मैं अपने दिल्ली की ही साइंटिस्ट हैं, देहरादून की हैं, 24-25 साल की, जस्ट उन्होंने एनवायरमेंटल लॉ में इसमें वाइल्ड लाइफ में उन्होंने डिप्लोमा लेकर वो सुबह शाम खुद जाती हैं, मतलब इतना मेहनत करते हैं हमारी ये यंग साइंटिस्ट, लड़कियां लड़के खूब मेहनत कर रहे हैं. और मैं उनके मेहनत और भरोसे के आधार पर कहता हूँ ये प्रोजेक्ट में जो हुआ है उसकी भी हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से मान के चलना प्रोजेक्ट चीता हमारा इतना सक्सेस होगा कि पूरे देश को उसके ऊपर गर्व होगा. Well, we certainly hope so. In the next 11 months, I think the world will be looking at India. You have a huge responsibility. Thank you very much, Bhupendra Yadav ji. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.